दुनिया की सबसे ज़्यादा फेवरेट और पॉपुलर हनीमून डेस्टिनेशन पे आ गया हूँ बिल्कुल अकेला, तो बट दैट्स ओके, एक्सप्लोर करते हैं और आपको मालदीव दिखाते हैं। कुछ दिन स्टे है, एक दोस्त है बहुत अच्छे, उनसे मुलाकात करनी है, उनसे भी आपसे मुलाकात कराते हैं। दोस्तों निकल गए हैं अभी हम मालदीव एक्सप्लोर करने के लिए और आप लोग को दिखाते हैं। हमारे साथ हैं जी शादे भाई। शादे भाई अस्सलाम वालेकुम। हमारे बहुत पुराने दोस्त, कोई 15 साल हो गए शादे भाई, तकरीबन 15 साल हो गए। मुझको एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया आके, क्योंकि इससे मेरी मेलबर्न में मुलाकात नहीं हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल, शाहदेव भाई से बहुत मोहब्बत है और बड़ा मज़ा आ रहा है इनके साथ। चलें आप लोग को दिखाते हैं फिर मालदीव्स। ये जी दोस्तों टर्मिनल आ गया, फेरी टर्मिनल, और ये जो है हिमा माले में है ये फेरी टर्मिनल। यहाँ से डिफरेंट बोट्स और डिफरेंट यॉट्स और स्पीड बोट्स जाती हैं डिफरेंट जगहों पर। पहुंच चुके हैं जी मालदीव्स की वाइट सैंड बीचेस पे और पानी की क्लैरिटी देख सकते हैं आप। अच्छा दोस्तों, इस तरह के ये बने हुए हैं वाटर एक्टिविटी सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ से आप ये कैकिंग और वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। ऑब्वियसली मालदीव्स है तो कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है, और अभी पता किया है जेट स्की और कुछ उसमें बनाना बोट वगैरह, एक घंटे का पैकेज है तकरीबन $450 का इन्होंने बताया है, विच इज़ वेरी वेरी हाई कम्पेयर टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। खाली अगर आप वाटर जेट्स की लें तो वो आई गेस थोड़ी सी सस्ती होगी, बट आई थिंक $100 कम तो नहीं होगी। तो अगर आप वाटर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं तो आई वुड रिकमेंड कि ये कि साउथ ईस्ट एशिया ट्राई करें, नहीं तो ये कि अबाउट $100 इसकी कॉस्ट है। तो ये जी इन्होंने नया बनाया है, आर्टिफिशियल कनाल है समंदर से काट के, नई अभी बनी है ये। देखें आप पानी, बिल्कुल पानी कितना क्लियर है, वेरी क्लैरिटी। तो इस तरह की दोस्तों सी प्लेन्स होते हैं ये जो प्लेन्स हैं, बाय द वे पिजन्स को भी हेलो कर दें, ये आपको डिफरेंट रिजॉर्ट आइलैंड्स लेके जाते हैं। और डिपेंडिंग आप कौन सा आपका रिजॉर्ट आइलैंड है, अगर दूर है, और नॉर्मली जो एक्सपेंसिव रिजॉर्ट आइलैंड्स होते हैं वो सी प्लेन से आपको डायरेक्ट जो है एयरपोर्ट से मिल जाती है ये सी प्लेन्स, वहाँ से आप जा सकते हैं। दोस्तों ये मालदीव में ना ये आर्टिफिशियल इन्होंने इस तरह के फॉरेस्ट बनाए हुए एक इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, ये जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया था उससे ये कर रहे हैं, इस तरह सब आर्टिफिशियल है ये। इस तरह के छोटे छोटे पार्क्स बने हुए अक्सर कई जगहों पे जहाँ पे आप आके रिलैक्स कर सकते हैं। वेदर बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, गर्मी नहीं है इतनी ज़्यादा, विच इज़ गुड। देखिए जी जगह जगह पे इस तरह के बने हुए स्मार्ट स्टोर कहलाते हैं, इसमें कोई भी अंदर शॉपकीपर नहीं है, आप ये स्कैन करें, पे करें, जो भी चीज़ उठानी है उठाएं और चले जाएं ऐप के थ्रू। इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग आई थिंक, सो क्यूट। ये जी दोस्तों पाकिस्तानी एम्बेसी, अगर आपने कभी आना हो पाकिस्तानी एम्बेसी तो हुलू माले में है जी, ये आइलैंड है, यहाँ पे आप आकर और पाकिस्तानी एम्बेसी आ सकते हैं। पुलिस स्टेशन के बीच पुलिस स्टेशन के बीच में, बिल्कुल सही बोला शादी भाई आपने।